नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। ये देखते गुना से नरेंद्र कुशवाहा की खास रिपोर्ट। गुना में भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी का आज सांसद बनने के प्रथम गुना नगर आगमन पर गुना सर्किट हाउस पर भाजपा जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य अगवानी कर साल श्रीफल भेंट कर स्वागत किया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन ने बताया कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर दिल्ली से ग्वालियर होते हुए सायंकाल 6 बजे गुना आगमन हुआ और 7 बजे भोपाल के लिए प्रस्थान किया। और योगी जी ने भरपूर मन से काम किया। माननीय केंद्र में माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी, आप दोनों ने मिलकर यूपी की तस्वीर बदल दी। अब कोई बीच में आकर के अगर ये कहने लगे मैं लड़की हूं तो लड़ सकती हूं, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां लड़ने के लिए ही नहीं बनी हैं। अगर आप लड़की हैं महिला बन जाओ, मैं कहती हूँ अच्छा है, क्योंकि आपके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, महिला बनके उतनी गंभीरता दिखा करके बात करिए। दूसरी बात यह है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि 65 और 70 वर्षों के शासनकाल में आप सुसुप्त अवस्था में क्यों थी, क्यों भ्रष्टाचार से नहीं लड़ रही थी, क्यों बलात्कार से नहीं लड़ रही थी, क्यों भट्टियों में जिंदा भूना जा रहा था, नैना साहनी जैसी लड़कियों को भूना जा रहा था, मध्य प्रदेश में सरला मिश्रा को भून दिया गया है, क्या कारण है, क्यों नहीं लड़ी आप, क्यों मुंह बंद था, अब आपको लड़ना समझ में आ रहा है। मैं कहती हूँ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो अब तो लड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है कि आपको लड़ना पड़े। महिलाओं में सुरक्षा का एक भाव जागृत हुआ है और उनको विश्वास जागा है कि हमारे साथ न्याय अवश्य होगा। गुंडागर्दी को मुंह तोड़ जवाब दिया है माननीय योगी जी ने। विकास किसे कहते हैं ये उत्तर प्रदेश ने जान लिया है। अब उत्तर प्रदेश की जनता भ्रमित नहीं होगी, चाहे कोई लड़की बन के आ जाए, चाहे कोई कोर्ट पर जनेऊ डाल करके आ जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। माननीय योगी जी की सरकार है और आगे भी रहने वाली है और अच्छे से भरपूर मतों से आने वाली है। दिग्विजय सिंह इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हिंदूवादी लोगों ने पसंद कर रहे हैं। इसी चीज पर नरोत्तम मिश्रा जी ने भी बोला है अभी कि इफ्तार पार्टी करने वाले लोग हिंदूवादी की बातें ना करें, हिंदुत्व की बातें ना करें। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदूवादी लोग हिंदू पसंद करने लगे हैं उन्हें, तो दुर्भाग्य है उनका। जिला जैन